ट्रांसवर्स और एक ओब्लिक। ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो तो एक ही रहता है, और जो मोस्ट कॉमनली लेबर में इन्वॉल्व होता है वो होता है बाई टेम्पोरल, ये हमारी पेराइटल, ये हमारे पेराइटल बोन है। इसकी ये जो ऐसे नुकीले से निकली हुई है पेराइटल इमिनेंसेस, तो एक इमिनेंस से दूसरी इमिनेंस, मतलब दो फार्दस्ट पॉइंट जो है, दिस इज बाई पेराइटल डायमीटर। लेकिन बाई पेराइटल डायमीटर जो है वो एक कंप्रेसिबल डायमीटर है, क्योंकि बीच में सूचर आ जाती है, वो ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये बाई टेम्पोरल, है ना, ये होता है 8.5, ये होता है बाई पेराइटल होता है हमारा 9.5, ये 8.5 होता है। फिर एक ये हमारे यहाँ कान के पीछे है मस्कुलर प्रोसेस, ये हमारे बेस ऑफ स्कल पे होता है, हमारे सर का बेस है ये, इसके और इसके बीच की दूरी होती है 7.5, जो कि नॉन कंप्रेसिबल है, क्योंकि ब्रेन का जो ये बेस है ना हमारे स्कल का बेस, ये कंप्रेस नहीं होता, इसके बीच में कोई सूचक नहीं आता, ये तो होता है, ये कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। तो ये तीन ट्रांसवर्स डायमीटर है, लेकिन एक तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है कि तुम बाई पेराइटल डायमीटर को याद रखो, दैट इज 9.5। फिर एपी डायमीटर, एपी डायमीटर डिपेंड करते हैं कि हेड किस पोजीशन में है, फुल्ली फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंडेड है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लेबर में फुल्ली फ्लेक्स हेड की बात करें, जो थर्ड बटन होता है चिन्ह करता है, तब ये वाला पार्ट जो हमारा ऑक्सीपुट है ये लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे लाई करेगा, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे आएगा, और ये डिपेंडेंट पार्ट होता है सबसे ज़्यादा। तो कौन सा डायमीटर फिर उस वक्त पेल्विस में जाएगा, ये ऑक्सीपिटल रीजन है, क्योंकि जब ये हेड वो होगा तो ये ऑक्सीपिटल रीजन आएगा ना यहाँ पे फुल्ली फ्लेक्स होके, तो इसमें कौन सा डायमीटर होगा, वो होगा फुल फ्लेक्शन में सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, है ना। यहाँ पे एक उभरा हुआ होता है, ये होता है ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, उसके नीचे का जो पार्ट है वो सब ऑक्सीपिटल रीजन है। सब ऑक्सीपिटल रीजन से सेंटर ऑफ ब्रैगमा तक ये होता है डायमीटर, जब हेड पूरी तरीके से फ्लेक्स होता है, जो सबसे कम डायमीटर है, इसीलिए जब डिलीवरी हेड की हो रही होती है हम उसे फ्लेक्स रखना होता है ताकि कम डायमीटर आए, तो वो है 9.5, ठीक। फिर ये पूरे फ्लेक्स से थोड़ा सा ऐसे हुआ, तो ये सब ऑक्सीपिटल से जो सेंटर ऑफ ब्रैगमा था उसकी जगह ये फ्रंटल बोन के बीच में, तो ये सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल हो गया, ये होता है 10, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया। फिर और हुआ तो ये वाला पॉइंट खिसक के इस पे आ गया एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे, और ये आ गया ग्लैंडुला पे, है तो फ्रंटल बोन पे ही, तो इसे कहेंगे ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिट नहीं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है। तो ये हो गया 11.5, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा, अब 11.5 में हमारा सर ऐसे सीधा है, फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो यहाँ से हमारा मेंटम से वर्टेक्स के बीच हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा, तो मेंटो वर्टिकल। जब मेंटो वर्टिकल होता है तो सर्विक्स के ऊपर ये पार्ट बच्चे का रखा होता है, दिस इज ब्राउ, यानी प्रेजेंटेशन क्या होती है, वर्टेक्स नहीं होती है, इसमें तो वर्टेक्स होती है, क्योंकि ऑक्सीपिट ऐसे बिल्कुल जब पूरा फ्लेक्स हो गया तो ऑस से, ऑस समझते हो, सर्विक्स के मुंह से जब हम पीवी करके फील करेंगे तो हमें ऑक्सीपिट नहीं वर्टेक्स फील होगा। वर्टेक्स क्वाड्रेंगुलर एरिया है, पीछे लैम्बडॉइड सूचर है, आगे कोरोनल सूचर है, साइड में पेराइटल लाइंस है, ठीक है, चौकोर बन गया। तो वो वर्टेक्स था तब तक जब तक सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक था, या सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल था, या ऑक्सीपिटो फ्रंटल था। जब ये आ गया मेंटो वर्टिकल, ये सबसे ज्यादा डायमीटर है, ये 13.5 या 14 सेंटीमीटर से, और पेल्विस की कोई भी इनलेट आउटलेट में कोई 13 सेंटीमीटर से ऊपर है नहीं है, तो ब्राउ जो है कभी नहीं निकल पाता पेल्विस में, ठीक है, या तो बच्चा बहुत ही प्रीटम हो या उसके रिस्पॉन्स में पेल्विस बहुत रूमी हो, लेकिन इतना नहीं होता। नॉर्मल एवरेज पेल्विस का कोई भी डायमीटर जो है वो 13 से ऊपर नहीं है, और ये हमारा 13.5 या 14, ठीक है, तो ब्राओ डिलीवर नहीं होता, ठीक है, या तो वो पेन में फ्लेक्स हो जाए या एक्सटेंड हो जाए, तब डिलीवर होता है, ठीक। तो ये होता है डिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब एक तो हम ऐसे फ्लेक्स थे, फिर हम फ्लेक्शन से कम है अगर तो उसे डिफ्लेक्शन ही कहते हैं, अगर फुल फ्लेक्शन नहीं है, हल्का सा भी ऐसे हो रहा है तो डिफ्लेक्शन, ऐसे हो गया डिफ्लेक्शन, ऐसे हो गया डिफ्लेक्शन। अब जब ये पीछे को जाएगा दैट इज एक्सटेंशन, जब ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा कि ये मेंटम से और इधर खिसक जाएगा, ये हमारे फ्लोर ऑफ माउथ पे पहुंच जाएगा, यानी हमारी गर्दन धड़ से जहाँ जुड़ी है यहाँ पे हमारा फ्लोर ऑफ माउथ है, ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं सबमेंटो, सबमेंटो वर्टिकल या सबमेंटो ब्रैगमेटिक।
जब बिल्कुल यूं हो गया तो पहुंच गया सबमेंडो ग्रेगोमेटिक, फुल्ली एक्सटेंडेड, एक एक्सटेंशन हुआ, एक फुल्ली एक्सटेंशन हो गया, उसमें फिर ये वाला पार्ट आएगा, ये है फेसियस कंडीशन। ठीक है, सारी क्लियर? तो ये हो गई स्कल और पेंड्रिस, इसको अच्छे से